नमस्कार दोस्तों, आए हैं हम आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको भी बोलते हैं। ये तो आपको दिख रहा होगा अभी कुछ नहीं सामने, और मैं इधर दिखाना चाहूँगा आपको। ये है हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान। फ़ोन किसका आ गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा एक लोगो बना हुआ है जो मैंने पहली बार अपने लाइफ में BHU के देखा है। अच्छे से दिखाइएगा इनको, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुछ खास, काफ़ी खास ये लोगो आपको दिखेगा। और IESD जो लिखा हुआ है उस लोगो को ठीक तरीके से देखिएगा एक बार। जिसने भी ये लोगो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही खूबसूरत ये लोगो बना है। और इसको आप डिजिटली देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये पूरा हमारा बोर्ड रहा जो काफ़ी महंगा लगा है, बना है तो महंगा लगा है तो दिखाना ज़रूरी था। ये है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग किसके है? पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान का बिल्डिंग है ये, और काफ़ी अच्छा बिल्डिंग के सामने ये रोड है, आप देख सकते हैं। रोड के उधर कुछ खुदाई चल रही है, नया नया काम BHU में हो रहा है। दरअसल हमको लगता है 80 फ्लैट बनाने का सोचा था BHU ने, आवासीय फ्लैट जो BHU में काम करते हैं स्टाफ लोगों के लिए। वो काम मुझे लगता है कि बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, अच्छी बात है। सारे पेड़ काट देने चाहिए, पेड़ देगा ही क्या, हम लिक्विड ऑक्सीजन से ज़िंदा रहेंगे, पेड़ काट के फेंक देंगे। सामने ये बिल्डिंग है आपके, और गार्डनिंग काफ़ी अच्छी की गई है, थोड़ा सा अंदर दिखाएंगे। काफ़ी अच्छी गार्डनिंग की गई है और काफ़ी दूर तक, मैं आपको पूरा एक रोटेशन वर्जन दिखाऊंगा। मतलब अभी जो दिखा रहा हूँ वो सही है, बात तो मतलब बात एक बराबर की है, लेकिन सड़क से अगर आप दूर से इस संस्थान को देखेंगे, इस डिपार्टमेंट को देखेंगे, इंस्टीट्यूट को देखेंगे तो कैसा लगेगा। ऐसा भी हम लोगों ने बनाया है। तो चलेंगे अब आगे, देखते हैं आगे हम आपको क्या दिखाना चाहेंगे। एक पेड़ काफ़ी खूबसूरत है, BHU के सारे पेड़ पुराने हो रहे हैं और गिर रहे हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा BHU के सारे पेड़ों से। यहाँ से ये डिपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है। अभी कैमरा पकड़े हुए हैं भैया, तो भैया बोल रहे थे कि अगर इस डिपार्टमेंट जैसा वो डिपार्टमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला, मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल और सब मतलब एकदम ओपन टाइप का है, कोई ऐसा वो नहीं है। जिस हॉस्टल BHU के सब कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं एकदम, लेकिन ये एकदम खुला हुआ है। तो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, आगे दिखाएंगे आपको इधर से। एक बहुत अच्छी स्क्रीन लगी हुई है वहाँ पे, देख सकते हैं काफ़ी खर्चा किया जा रहा है इस पूरे काम पे। इसके सामने पूरा खेत है, मतलब इसके सामने कुछ और नहीं बना है, सामने आपके क्या है, स्वतंत्रता भवन है सामने, और काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हैं। एक स्क्रीन लगा हुआ है काफ़ी बड़ा सा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका बोर्ड दिखाता हूं जो कि पहले का बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें सिंपल तरीके से भी लिखी जाती हैं। ये है हमारा पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान। आप बोर्ड देखेंगे उसके बाद अपनी डिपार्टमेंट को देखिए, मतलब बोर्ड देखिए, डिपार्टमेंट देखिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर देखिए। क्वेश्चन पेपर हम आपको लेकर के आएंगे, क्वेश्चन पेपर जैसे हम लोगों ने लॉ फैकल्टी का ब्लॉग बनाया तो लॉ फैकल्टी में जो भी जितनी भी सारी चीज़ें थी आपको दिखाया। हम लोग आर्ट्स फैकल्टी भी दिखा चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी दिखा चुके हैं, कुछ चीज़ें अपना मंदिर भी दिखा चुके हैं। क्या आलिशान दिखता है आपको लगता है? पता है ये जो जगह है, काफ़ी लोग मतलब जो BHU के स्टूडेंट होते हैं उनमें से भी काफ़ी लोगों ने आज तक ये जगह नहीं घूमा है, तो हम आज आपको ये जगह दिखाने वाले हैं। ऐसा दिखेगा आपको,
यहाँ एक छोटी सी टीवी लगी हुई है, ये ट्रैक्टर जा रहा है, आप देख सकते हैं। बीएचयू एकदम मतलब हरियाली ही हरियाली होती है। बस एक बार कंपटीशन यहाँ का टफ होता है, बाकी लाइफ जो है हमारी बहुत ज़्यादा आसान होती है। सबसे स्पेशल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ये बोला जा सकता है बीएचयू का, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल। ये है हमारा एलसीडी जो ऐसे ही खामखा है, देख रहे हैं आप, खामखा चल रहा है, बस कोई देखने वाला नहीं है फिर भी चल रहा है। सोलर पैनल का यूज़ आजकल बीएचयू बहुत ज़्यादा कर रही है, आप अंदर भी देख सकते हैं वहाँ पे। ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वेलकम टू वेलकम वेलकम। और ये रहा आपका ये वेलकम, और ये रहा आपका ये। सर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, एक बार हम लोग अंदर भी चलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या है अंदर। तो ये जब सामने से आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको ये अंदर, मैंने वहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाया, वो डिस्प्ले वहाँ लगा हुआ है, और अंदर जाने की सुविधा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चचा लोग बैठे हुए हैं, मतलब एक अच्छा कंपार्टमेंट बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं गार्ड रूम है ये, घुसते ही गार्ड रूम। क्या चाचा एकदम बहुत बढ़िया बना दिए हैं आप लोगों के लिए, मतलब गर्मी उर्मी लगता है क्या इसमें? गर्मी फिर भी लगता है, ऊपर एसी थोड़ी लगा हुआ है, लेकिन करकट नहीं है, कम से कम इतना ध्यान रखा गया है। हम लोगों ने चाणक्य हॉस्टल के लिए बात किया, क्योंकि हम लोग हॉस्टल का पूरा ब्लॉग दिखा रहे हैं आजकल, हॉस्टल की मतलब कितने कट ऑफ पे अलॉट होता है, क्या हॉस्टल की सुविधाएं हैं, मेस कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है। हम वहाँ पे चचा के पास उनका हालचाल पूछ रहे थे, वो वहाँ पे हैं और हम यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हैं। अब चीज़ें थोड़ा सा गौर से जानेंगे और देखेंगे। ये जो जगह है बहुत ज़्यादा ख़ास है, ख़ास इसलिए है कि ये जो जगह है इसके बारे में बीएचयू के भी छात्र नहीं जानते हैं। मैं आज पहली बार आया हूँ तो मैं घूमूंगा बस, जो देखूंगा वो दिखाऊंगा रियल में। कोई मुझे पैसे नहीं मिले हैं बीएचयू की तरफ से कि मैं इसको पूरा स्क्रिप्टेड बना दूं, और जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको धन्यवाद। हम लोग अपना टी शर्ट भी लॉन्च कर रहे हैं बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए, तो टी शर्ट है और हमारा लोगो वाला भी है, दोनों को सेम तवज्जो दिया गया है। सामने चलेंगे, बहुत अच्छी कुर्सी दी हुई है सामने से, जैसे कुर्सी पे बैठ के ऐसे क्या जैसा, जैसे मैं कुर्सी पे यहाँ पे ऐसे बैठ के इंटरव्यू भी कर सकता हूँ। फेस वेस एकदम बढ़िया आ रहा है। हाँ थोड़ी सी छाया आ रही है, थोड़ी सी छाया आ रही है, छाया अच्छा, शैडो नहीं और क्या नसीब में है, यही है। चलिए चला जाए और आगे, शैडो नहीं छाया बोलो बढ़िया से स्लोली। तो ये काफी अच्छे अच्छे ये पेड़, इसके गजब पत्ते हैं ना, ये स्पेशल पेड़ है यार। हाँ देख सकते हैं आप, स्पेशल पेड़ है, इसके पत्ते कहते हैं। एक पेड़ में तीन पत्ते और इनका डिजाइन देखिए आप, ये है डिजाइन, तीन पत्ता। जिसको खेलना है वो यहाँ पे आए, जरूर आए। सूख के गिरे हुए हैं पूरे, ये काफ़ी खिड़की दिया हुआ है क्या? आर्ट्स फैकल्टी में ऐसा खिड़की रहेगा तो लोग एक दिन गुस्सा आएंगे, पूरा खिड़की उतार देंगे ना भैया। हाँ हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने बनवाया है इसको। हमने ब्लॉग वहाँ से स्टार्ट किया था बाहर से, अब हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं, काफ़ी अंदर। ये देखिए यहाँ फूल लगे हुए हैं। बीएचयू में गार्डनिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए अब इसका एडमिशन प्रोसेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई एलुमनाई यहाँ का जो यहाँ से पढ़ रहा है या फिर पढ़ चुका है, वो कमेंट के माध्यम से हमें रिव्यू दे सकता है, हम सब कुछ आपको बता देंगे।